नमस्कार आदाब सत श्रीकाल, आशा करते हैं कि आप खबरों पर अच्छी तरह से। आइए डालते हैं आज की क्या खास खबरों की शुरुआत। आज हम तालवेट से करते हैं, परशुराम जयंती से करते हैं। आज का दिन बड़ा खास है, अक्षय तृतीया मनाई गई, तो यह शुभ दिन परशुराम के जन्म का प्रतीक है। श्रीहरि का छठा अवतार माना जाता है। परशुराम जयंती वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया मनाई जाती है। इसी क्रम में आज 10 मई यानी 2024 को आज तालबेहट में परशुराम जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। तो वही तालबेहट में परशुराम जयंती की बात करें तो पीर बाबा की मड़िया से भगवान परशुराम की भव्य शोभा यात्रा, जिसमें भारी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग मौजूद रहे, शुभारंभ हुई। शोभा यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई तो वहीं पीर बाबा की मड़िया में जाकर समाप्त हुई और यहां पर भव्य महाआरती का आयोजन हुआ। वहीं कार्यक्रम के संयोजक अनुपम लिटोरिया के द्वारा आरती की गई तो वहीं वहां मौजूद भी प्रबंधु महाआरती का हिस्सा बने। इस दौरान प्रसादी वितरण हुई। तालबेहट में अगर हम शोभा यात्रा के स्वागत की बात करें, भाजपा सांसद प्रत्याशी अनुराग शर्मा के बड़े भाई अतुल शर्मा, नगर पंचायत अध्यक्ष पुनीत सिंह परिहार ने पुराना बस स्टैंड पर भगवान परशुराम की शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया, भगवान परशुराम की आरती उतारी तो वहीं भगवान परशुराम को तिलक किया, भगवान परशुराम के चरण स्पर्श कर उनसे आशीर्वाद लिया। इसी क्रम में नगर पंचायत अध्यक्ष पुनीत सिंह परिहार के द्वारा परशुराम जयंती में मौजूद श्रद्धालुओं के लिए शीतल लस्सी के द्वारा स्वागत किया गया, पुष्प वर्षा की गई और आप खुद देख सकते हैं मॉनिटर स्क्रीन पर कि अनुराग शर्मा के बड़े भाई आज तालबेहट में खुद मौजूद रहे, परशुराम जयंती में मौजूद रहे और यहां के लोगों से मिले। इसी क्रम में अगर हम बात करें रामलीला मैदान में तो प्रदीप गोस्वामी ने परशुराम जयंती का भव्य स्वागत किया। पेट्रोल पंप की बात करें तो सुनील त्रिपाठी ने अपने सहयोगियों के साथ भव्य स्वागत किया, आरती उतारी तो वहीं पुष्प वर्षा की, भगवान परशुराम से आशीर्वाद लिया। इस तरह से तालबेहट में आज परशुराम जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। पर कहीं ना कहीं इस बात का लोगों में मलाल जरूर रहा कि कहीं ना कहीं अगर नगर पंचायत के चुनाव होते तो शायद तालबेहट की सड़क भी छोटी पड़ जाती स्वागत करने वालों से। क्या आज कहीं ना कहीं राजनीति स्वार्थ की हो गई है? क्या आज कहीं ना कहीं लोग सम्मान, लोग स्वागत इसलिए करेंगे कि कहीं ना चुनाव में उन्हें इस बात का भरोसा होगा कि अगर हम स्वागत करेंगे और सम्मान देंगे तो हमें वोट मिल सकते हैं। पर अगर जो लगातार इस पहल का हिस्सा रहते हैं, ये तालबेहट यहाँ की जनता सब जानती है, यहाँ के लोग सब जानते हैं और ये वाकई में जब चुनाव आते हैं, जब ये लोग करते हैं तो जवाब भी ये तालबेहट की जनता भी देना जानती है और देती भी है और जो लगातार जुड़े रहते हैं उनको फायदा भी मिलता है। फिलहाल आज तालबेहट में परशुराम जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। मेरी तरफ से सभी बड़ों को छोटों को परशुराम जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लगा है कि आज एक ब्राह्मण एकता का एक बहुत अच्छा परिचय हुआ, सभी के साथ खुश हैं, सभी बहुत आनंदित हैं। 25 वर्ष से भव्यता से निकल रही थी, कहीं कोई सारी समाज ब्राह्मण समाज इकट्ठी होकर भगवान परशुराम का जन्म उत्सव बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं हम सभी लोग और इसमें सभी समाज के लोग सम्मिलित होते हैं। बहुत अच्छा व्यवहार है, नए बच्चों को सीखने का मौका मिलता है। आज का प्रोग्राम ब्राह्मण समाज के लिए ये बड़ी गौरव की बात है कि हम सभी 5 या 10 हज़ार के लगभग ब्राह्मण इकट्ठे होकर के भगवान परशुराम की जयंती मना रहे हैं और नगर में बड़ा भारी उल्लास है, ब्राह्मण समाज में काफ़ी उल्लास है। इसको लेकर के हमारी माता बहने घर घर से सब सचके आई हैं और सबने जयंती का भगवान परशुराम के जन्मोत्सव का आनंद लिया है। भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मनाया गया है, हमारे नगर का बहुत सुंदर शोभा यात्रा निकली है और जो एक अद्भुत है और ब्राह्मण समाज के लिए एक अद्भुत कार्यक्रम है जो दर्शनीय है। परशुराम जयंती के कार्यक्रम में समस्त ब्राह्मण समाज तालबेहट के द्वारा जो इस शोभा यात्रा को भव्यता प्रदान की गई, मैं सभी ब्राह्मण समाज के लोगों का इस कार्यक्रम में स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ और
आगे भी ब्राह्मण समाज के कार्यक्रमों में सभी लोगों का आह्वान करता हूं कि इसी तरीके से बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी और हमारे कार्यक्रम में माननीय श्री राजन गोस्वामी जी हजारिया टाइम्स का मैं बहुत बहुत स्वागत करिएगा, बेल आइकन को हिट करिएगा। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। आपकी जिंदगी बहुत कीमती, अपना बेहतरी से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।